मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन हो तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नुम भी, यकीन हो तो मर के देख। कभी प्रयागराज में खौफ का पर्याय रह चुका अतीक अहमद बेहद ही अजीब तरीके से हमेशा के लिए खामोश हो गया। कभी पुलिस और मीडिया के सामने शेर की तरह दहाड़ लगाने वाला, आज उन्हीं के सामने बेसहारा बन के जमीन पर पड़ा था। आखिर आज खामोश होने वाला अतीक अहमद कौन है, क्या है उसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था और कल यानी 15 अप्रैल 2023 को उसी अतीक अहमद का अंत हो गया, यानी करीब 60 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। अतीक अहमद का परिवार कभी बेहद गरीब हुआ करता था। साल 1979 का दौर था, उस समय इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज़ अहमद नाम के एक शख्स हुआ करते थे। वो टांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। इसी फिरोज़ का बेटा पढ़ने में कम, बदमाशी में ज़्यादा फोकस करता था, इसीलिए इसका परिणाम भी 10वीं की परीक्षा में सामने आ गया। फिरोज़ का बेटा फेल हो गया था। वो इस परीक्षा में तो फेल हो गया, लेकिन जल्द ही अमीर और बाहुबली बनने के सपने देखने लगा। एक टांगे वाले का अनपढ़ बेटा इतना महत्वाकांक्षी होगा कि पैसे की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वह कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत का कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध व राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के आर्थिक साम्राज्य को खड़ा कर लिया। साल 1989 में निर्दलीय विधायक चुने जाने के बाद अतीक अहमद ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार 5 बार विधायक चुना गया। अतीक पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक चुना गया था। इसके बाद अतीक ने साल 1991 और 1993 में चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और जीत हासिल की। साल 1996 में अतीक अहमद विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा और फिर विधायक चुना गया, लेकिन जल्द ही समाजवादी पार्टी से उसकी दूरियाँ बढ़ने लगीं। अतीक ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया और साल 1999 में अपना दल में शामिल हो गया। अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। साल 2002 को अपना दल ने अतीक को इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से चुनाव के मैदान में उतारा। इस चुनाव में अतीक अहमद को फिर से जीत हासिल हुई। साल 2003 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अतीक समाजवादी हो गया। साल 2004 में फूलपुर की लोकसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस बीच उसका क्राइम ग्राफ भी लगातार बढ़ता ही रहा। उसका दहशत पूरे इलाके में था। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई थी कि उसने अपने पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया था। उसके भाई अशरफ अहमद पर 52 मामले दर्ज थे। अतीक की पत्नी साइस्ता परवीन पर 4 आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि 2 दिन पहले 13 अप्रैल 2023 को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद के खिलाफ भी एक केस दर्ज था। अतीक अपनी गुनाहों के कारण कई महीनों से गुजरात के साबरमती जेल में बंद था। हत्या, अपहरण, मर्डर के प्रयास समेत दर्जनों मामले इस पर दर्ज थे। हाल के दिनों में यह फिर से एक बार सुर्खियों में था। इसके नाम की चर्चा उमेश पाल की हत्याकांड से हो रही थी। उमेश पाल की हत्या इसी साल 24 फरवरी 2023 के शाम करीब 6 बजे बीच रोड पर गोली मारकर की गई थी। उमेश पाल राजू पाल के पुराने दोस्त और उनके केस के चश्मदीद भी थे। अतीक के पतन की शुरुआत दरअसल 2005 में ही हो गई थी। तारीख थी 25 जनवरी, साल था 2005 और जगह था तब का इलाहाबाद और अब का प्रयागराज। उसी दिन राजू पाल पर शूट आउट हुआ था जिसमें राजू पाल की मौत हो गई थी। ये एक ऐसी घटना थी जो ना सिर्फ इतिहास बन गई बल्कि उसने अतीक और उसके पूरे परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में नाकामी ही उसके हिस्से आई। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा की टिकट दिलवा दी। अशरफ के मुकाबले बीएसपी ने राजूपाल को टिकट दिया। दो बाहुबली की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजूपाल विधायक चुन लिए गए। विधायक बनते ही राजूपाल पर कई जानलेवा हमले हुए, लेकिन वो बचते रहे। इस बीच 25 जनवरी 2005 को शहर के घूमनगंज इलाके में विधायक राजूपाल किसी की शोक सभा में सम्मिलित होने गए थे, तभी कुछ लोगों ने दिन दहाड़े उनकी गोलियों से हत्या कर दी। विधायक राजूपाल की पत्नी ने हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगाया। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। राजूपाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ। तत्कालीन मुलायम सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और सरकारी मशीनरी की मदद से अशरफ विधायक चुन लिया गया। इसी सीट से 2007 के चुनाव में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा। राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक के गले में एक ऐसी फांस बनी जिससे वह कभी उबर नहीं सका। वह उसके लिए नासूर बन चुका था और मिट्टी में मिलने की कगार पर पहुंच गया था।
2016 में राजू पाल के सीबीआई को दे दिया गया और 2019 में अतीक को गुजरात के साबरमती जेल भेज दिया गया ताकि वो अपने राज्य में रह के किसी भी प्रकार से केस को किसी तरह से प्रभावित ना कर सके। लेकिन फिर भी 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पुलिस लगातार शूटर्स को ढूंढ रही थी। और दो दिन पहले 13 अप्रैल 2023 को उनमें से दो अपराधी, जिनमें से एक अतीक का बेटा अशद अहमद भी था, उसका UPSTF ने एनकाउंटर कर दिया। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक योगी राज में माफिया अतीक के गैंग पर कुल 144 कार्रवाई की गई। गैंग से जुड़े हुए 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 22 करीबों की हिस्ट्री शीट खोली गई, 14 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई, 68 गन लाइसेंस रद्द किए गए, 2 लोगों को जिला बदर किया गया, गैंगस्टर एक्ट के तहत 415 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 751 करोड़ की अवैध संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया गया। इसके अलावा ठेके, टेंडर और दूसरे अवैध कामों पर 1200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की छूट की गई। अतीक को कुल मिलाकर 2367 करोड़ रुपये की आर्थिक छूट दी गई थी। हालांकि जानकारों का दावा है कि 2 अरब से ज़्यादा की आर्थिक छूट के बावजूद उसके साम्राज्य पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। उसके खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। काली कमाई को लेकर माफिया के कई करीबी ईडी के रडार पे थे। तमाम मामलों में गैंग के कई सदस्यों की जमानत कोर्ट से निरस्त कराई गई। शहर के लूकरगंज इलाके में अतीक के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बेहद कम कीमत पर फ्लैट बनाया जा रहा है। हालांकि इन सारी कवायदों के बावजूद माफिया की दहशत की दुनिया का अभी पूरी तरह खात्मा नहीं हो सका था। लेकिन कल यानी 15 अप्रैल 2023 अतीक का अंत हो गया। बीती रात टीवी कैमरे के सामने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। पुलिस और पत्रकारों की मौजूदगी में अतीक और उसके भाई अशरफ पर आरोपियों ने मिलकर गोलियां बरसाई, जिससे दोनों मौका वारदात पे ही खत्म हो गए।